दोस्तों आज आपके सामने एक बहुत ही फेमस स्कूटर है जिसका नाम है बजाज चेतक। ये स्कूटर पहले पेट्रोल इंजन के साथ आता था लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक बन चुका है। तो बजाज चेतक के साथ हम भारतीयों की बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, 2022 या 23 में इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है खास करके उत्तर प्रदेश की, और कितनी देर में चार्ज होता है, और कितनी इसकी टॉप स्पीड है, मतलब पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बैडमिंटन एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। तो शुरुआत करते हैं भाई सबसे पहले इसकी प्यारी सी चाभी से, और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी चाभी बनाई गई है इसकी, और ब्लैक कलर में है। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिसके बारे में आपको अभी बाद में बताऊँगा, लेकिन अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो सबसे यूनिक डिज़ाइन इस चाभी का बनाया गया है। और सबसे पहले मैं आपको इधर से इतना दिखाना चाहूँगा, ये स्कूटर जैसे इनका जो क्लासिक आता था चेतक में, एक क्लासिक आता था उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे ये साइड पैनल वैसे ही दिए गए हैं, और राइट साइड में जैसे इंजन होता था तो लोग इसको खोलते थे तो इंजन दिखने लगता था, तो वैसे ही कुछ बनाया गया है। लेकिन अगर आप इसके बैक डिज़ाइन को देखेंगे भाई तो यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक और फ्यूचरिस्टिक इसको बनाया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे चेतक, और यहाँ पर भी उसके लोगों की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पर आपको जैसे इंडिकेटर और बैक लाइट यही मिल जाती है, चेतक यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये है इसके बैक लाइट और इंडिकेटर। और अब मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा, रेड कलर का ये स्कूटर है, इसमें आपको और भी कलर मिल जाते हैं, लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे इस स्कूटर को तो आपको बजाज चेतक की याद आएगी, क्योंकि उसकी यादों को ताज़ा रखने के लिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जैसे इस साइड पैनल के डिज़ाइन को ऐसा बनाया गया है जैसे इनका बजाज चेतक आता था वैसे ही बनाया गया है, और थोड़ा सा उससे इंस्पायर्ड रखा गया है जिससे बजाज चेतक की यादें बनी रहें। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और ख़ास करके इसके स्पेयर पार्ट पर ध्यान रखा गया है, तो अगर आप इसको जैसे उठाएंगे गिराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी भारी दिया गया है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दी गई है। यहाँ तक कि आप इसको देखेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। अब हम आते हैं भाई इसके फ्रंट डिज़ाइन की तरफ, तो आप देखेंगे राउंड शेप में इसमें आपको हेडलाइट मिलती है जैसे इनके क्लासिक में आती थी, और ख़ास करके इसके हैंडल को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्लासिक की याद आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे जो जिनकी उम्र ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं वो जानते होंगे बजाज चेतक या क्लासिक को, लेकिन कुछ लोग उस पर बैठ कर गए होंगे क्योंकि उस समय वो बच्चे रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं क्लासिक से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इसमें DRL दी गई हैं, और यहाँ पर इसमें ये इसका वाइजर है, और वैसे ही कुछ मीटर का डिज़ाइन रखा गया है, और अभी मैं आपको इसके बारे में और अधिक डिटेल से बताऊंगा। आप आगे देखेंगे तो जैसे नोज आती थी वैसे ही इसको रखा गया है, यहाँ पर भी चेतक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जो बजाज चेतक में एक बिडिंग लग के आती थी लोग अलग से लगवाते थे, जैसे जो पुराने लोग हैं वो उनको पता होगा, यहाँ पर उसको भी लगाया गया है, तो मतलब उसमें हर जगह पर यादें ताज़ा की गई हैं बजाज चेतक की। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे नोज जो आती थी जैसे FE क्लासिक FE और जैसे इनका सुपर FE आता था, तो उसमें जो ये नोज होती थी वो कुछ इसी प्रकार से रखी गई है। यहाँ पर भाई अगले पहिए को आप देखेंगे 12 इंच के एलॉय व्हील के साथ ये आता है, और इधर आप दिखा दूँ मैं आपको कहाँ गया 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर है, लेकिन भाई आप इसके एलॉय व्हील को देखेंगे तो प्रीमियम और बिल्ड क्वालिटी के नाम पर आप ये बिल्कुल भी कह सकते हैं कि भाई गजब, मतलब इसके लुक को देखेंगे और गजब। अब यहाँ पर जो पुराने मैकेनिक होंगे यहाँ पर ये स्पिन को बहुत ज़्यादा ठोका करते थे, तो इसको मैं अभी जैसे ये लॉक है तो मैं अभी घुमा के आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले राइट साइड से दिखा देता हूँ, ये है राइट साइड से डिज़ाइन, थोड़ा मैंने जूम कर मतलब वाइड एंगल कर लिया है, अब आप देख सकते हैं, और अब आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। एक चीज़ आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा, जैसे बजाज चेतक में यहाँ पर आगे डिग्गी आती थी तो उसको भी दिया गया है, और जैसे पहले जो सुपर FE में यहाँ से सिर्फ लॉक किया जाता था उसको भी ध्यान रखा गया है यहीं पर दिया गया है, और जैसे जब स्टार्ट करके लोग यहाँ से बंद करते थे तो यहाँ पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। अब हम थोड़ा सा जैसे इसके प्रीमियमनेस की बात करेंगे, अगर आप इसकी सीट देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है, इसके ग्रैब रेल को देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है, और ख़ास करके आप इस फीचर्स को देखिए, ये निकल गया है और इसको आप अंदर कर सकते हैं, तो मतलब एक एक चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, इसलिए ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये ब्लैक और ये सिल्वर इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी स्विच, यहाँ पर भी चेतक की ब्रांडिंग की गई है, ये बार एंड भी इसमें दिए गए हैं, और इसमें जैसे क्लासिक में आपको ये स्विच मिलती थी
वैसे ही कुछ दिया गया है। तो ये तो हुई इसके मॉडल और डिज़ाइन की बात। और इधर आप देख लेंगे 12 इंच के अलॉय व्हील इसमें आपको मिलते हैं। और भाई यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है कि ये चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर में डायरेक्ट मोटर से बेल्ट लगा दी जाती है, लेकिन इसमें बाकायदा गियर बॉक्स दिया हुआ है। इतना बड़ा सा आप किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं देखेंगे, जिससे जैसे कि डायरेक्ट उसमें ना स्मूथ चल सके ये स्कूटर। तो मैं आपको राइडिंग में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि अगर पैसे लग रहे हैं तो कंपनी ने कहाँ कहाँ पर पैसे लगाए हैं, ये चीज़ ध्यान देना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इधर से आप देखोगे, जैसे आपने जुपिटर एक्टिवा इन सब में देखा है, पूरा यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। यहाँ तक कि इसके सस्पेंशन, ये कवर, सब चीज़ें बहुत ही VIP तरीके से दी गई हैं। तो अब चलते हैं भाई चाबी की तरफ। सबसे पहले आप इसको यहाँ से अनलॉक करेंगे, तो इससे आप जैसे पार्किंग में आपका स्कूटर खड़ा है तो आप इसको ढूंढ सकते हैं। और ये कीलेस स्कूटर है, ऐसा नहीं है सिर्फ और कंपनियाँ ही बनाती हैं, यहाँ पर ये कीलेस स्कूटर है। तो मैं सबसे पहले इसको प्रेस करता हूँ और आप देखेंगे वाओ, ये आप जैसे इसको पार्किंग में ढूंढ सकते हैं अपने स्कूटर को। अब ये यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब इसको ऑन करने के लिए आपको इस बटन को दबाना होगा, इस प्यारी सी बटन को। तो यहाँ पर आपने इसको दबाया और ये अभी खुल जाएगा। लॉक किया था मैंने कि खोला था, ये अब खुला शायद। एक बार दबाना पड़ेगा कि दो बार? भाई शायद मैंने लॉक कर दिया। छू दिया, खुल गया। ये है वाव। यहाँ पर भी आपको लाइट मिल रही है जैसा बजाज पल्सर में मिलता है, सारी चीज़ें यहाँ पर लाइट मिल रही हैं। लेकिन अब जैसे आपने देखा कि ये कीलेस है, तो यहाँ से आपको सिर्फ इस बटन को दबाना है, अनलॉक कर देना है। यहाँ से आप कर देंगे तो मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने बंद कर दिया, अब ये हैंडल भी लॉक हो गया। आपको लॉक ऑक नहीं करना है, अलग से कोई लॉक नहीं खरीदना है, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। तो अब मैं इसको फिर से अनलॉक कर देता हूँ, ये अनलॉक, और ये मैं इसको बस कर दिया। भाई बड़े भाई माफ़ कर दो, चलो हो गया भाई। अब आप थोड़ा सा और भी फीचर्स देखेंगे, जैसे कि इस बटन का कमाल देखेंगे। यहाँ से आपको जैसे ये कीलेस है तो ये डिग्गी आप कैसे खोलेंगे, आप खुद ही सोचिए। एक बार आप इस बटन को दबाएंगे, वाइड एंगल कर लेता हूँ, अब आप देखेंगे इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, वाओ, ये इसमें डिग्गी खुल गई है। वाइड एंगल से हटा लेता हूँ जिससे सही से दिखे। अब यहाँ से मैं एक बार ये देखिए, ये इसकी डिग्गी खुल गई है। और डिग्गी में ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको चार्जर दिया गया है, जिसमें बाकायदा मतलब कायदे के साथ इसमें आपको लाइट दी गई है, जो कि देखने में अच्छी भी लगती है। और यहाँ से आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एड किट रखी जाएगी। तो इसको कर देते हैं बंद। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मिंटू भाई इसको पीछे की सीट कैसे खोलेंगे, तो इसको आपको प्रेस एंड होल्ड ऐसे रखना है। ज़रा देखो, खुले उठाओ ज़रा राहुल, वाह। अब बंद करो जल्दी से, यहाँ पर आपको लाइट है, लगभग 18 लीटर का बूट स्टोरेज है। खोल दो ज़रा, खोल दो, दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ये लाइट दी गई है, और बाकायदा ये बीप करेगा, मतलब साउंड इसमें आता रहेगा। और यहाँ पर आपको ये चार्जर है, यहाँ पर इसमें ब्रांडिंग की गई है भाई। तो इसको ज़रा बंद करो, दोबारा खोल के दिखाते हैं। ज़रा राहुल तुम वहाँ से दबाओ, वहाँ से दबा के रखना, हाँ दबा के रखो। अरे कट की आवाज़ आएगी भाई, कितनी देर तक दबाओगे, छोड़ो। एक बार दबाए थे ना तभी, तो इसको प्रेस करके रखना है। हाँ कट की आवाज़ आई, रहन दो। ये खुल गई, देखा टक की आवाज़ आती है। चलो खोलो भाई, दिखाओ, बहुत लंबी वीडियो बनवा रहे हो आजकल, दबा के रखो। अरे तुमसे क्यों नहीं खुल रहा यार, किधर दबाते हो, इधर इधर क्यों नहीं दबाते इधर? ये देखो टक से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? अब रहन दो, अब इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी है। तो यहाँ पर आप जैसे इसमें बटन इसको दबाओ, इसको जब दबाएंगे तो ये राइड मोड पे आ जाएगा। अरे ये भी तो लगा है इसमें साइड स्टैंड, अब दबाओ। अब ये चाबी मैं इधर रख लेता हूँ पहले, और हाँ दबाओ तुम इधर, हाँ इधर दबाओ। ये अब आप देख सकते हैं ये ड्राइव मोड में आ चुका है, और यहाँ से आप इसके मोड को चेंज कर देंगे। ये देखिए ये स्पोर्ट मोड हो गया है, और फिर दबाओ इको मोड। इस इको और स्पोर्ट मोड इसमें आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर ये बताएगा कितने किलोमीटर ये जा सकता है। स्पोर्ट मोड है,
और अगर आप जैसे इको मोड तो यहाँ पर ये भी बताएगा, और ये कितना चला हुआ है ओडोमीटर, यहाँ पर आपको जैसे ये बैटरी का बताएगा, और यहाँ पर जब लाइट जल रही है तो लोगों को दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जैसे लाइट वाइट लाइट तो इसकी बंद नहीं होगी तो, और यहाँ से मोड चेंज करेंगे आप जैसे ट्रिप मीटर और SOC ओडोमीटर, इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इनके चेतक के ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम, यहाँ से आप पहले लाइट जलाएंगे, ये देख लें ऑन हो गई है, बंद हो गई, ऑन हो गई, और यहाँ से आप हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम कर सकते हैं, यहाँ से हॉर्न, यहाँ से इंडिकेटर। अब जैसे आप मान लीजिए इंडिकेटर जैसे ऑन कर देंगे, और जैसे ही आप हैंडल सीधा करेंगे ये अपने आप बंद हो जाएगा। दिखाओ भाई ज़रा ये सब तो फीचर दिखा दो दूर से। हाँ, इंडिकेटर, इंडिकेटर जल्दी जल्दी भाई, समय नहीं है थोड़ा। हैंडल सीधा करके दिखाओगे तो कैसे दिखेगा, अब हैंडल सीधा करो। हाँ बस ये बंद हो गया, बस अब ये फीचर्स देख लिया लोगों ने, बस करो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और DRL ही इसके इतने ज़्यादा ब्राइट हैं कि आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आते हैं भाई काम के फीचर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। हैंडल मैंने मोड़ लिया है, जो आपको बजाज चेतक में पहले स्विंग आर्म सस्पेंशन मिलता है उसको पूरा ध्यान रखा गया है, और वैसे ही इसको बनाया गया है, और इसमें भी आपको आगे डिस्क ब्रेक मिलती है, 220 mm की लगभग डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिल जाती है, पीछे 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। एक चीज़ तो भैया फीचर्स रह गया, अब जैसे आप इसको लॉक करना चाहेंगे यहाँ से बटन दबाएंगे, और ये देखिए, तो मतलब दबाओ छोड़ो, हाँ, तो ये गजब का फीचर्स है इसमें दिया गया है। अब जाओ बैठ के दिखाओ ना, तो अब आप देख सकते हैं मिस्टर राहुल इस पर बैठ चुके हैं, और सीट एकदम बढ़िया है, और बैठ जैसे पैर वैर पहुँच ही रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये स्कूटर भाई अब खड़ी कर दो चाहे तो, आपकी इच्छा हो तो, और ये स्कूटर आपको 170,000 रुपये JPS ये KTM के शोरूम पर मिलेगा, यहाँ पर नीचे बजाज है, ऊपर आपको KTM के शोरूम पर ये स्कूटर मिलेगा 170,000 रुपये में, लेकिन सब्सिडी आएगी तो ये 150 का पड़ेगा। चलेगा ये 95 किलोमीटर, टॉप स्पीड लगभग 60 से 70 तक की इसमें आपको मिल जाएगी, और इको मोड में 95 किलोमीटर चलेगा, और अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाएंगे तो लगभग 70 से 75 किलोमीटर ये चल जाएगा, लगभग 4 से 5 घंटे या 3.5 से 4.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, ये स्कूटर प्रीमियम भी है और यूनिक भी है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसलिए ये प्रीमियम है क्योंकि भाई इसमें पहले से जो ये प्रीमियम आ भी रहा है, और जो पहले आता था उसका पूरा इसमें ध्यान रखा गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 4.8 किलोवाट पीक पावर है, 16 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, और 4.8 किलोवाट की इसमें आपको मोटर मिल जाती है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो सस्पेंशन सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी हैं, 5 घंटे में चार्ज ही हो जाता है, और बाकी IP67 रेटेड है, लिथियम आयन इसमें बैटरी लगी हुई है, 3 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है दोस्तों। तो ये स्कूटर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर खरीदें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।